हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिच विद स्नेहा। आज हम बनाएंगे सर्कुलर लहंगा जिसका साइज स्क्रीन पे है और ये कंप्लीट फैब्रिक है जो मैं इस ड्रेस के लिए यूज़ कर रही हूँ। 2.5 मीटर वेलवेट फैब्रिक है जो ब्लाउज और दुपट्टे की बॉर्डर के लिए है, 1 मीटर कॉटन फैब्रिक ब्लाउज के लाइनिंग के लिए और 8 मीटर नेट है, 5 मीटर शाइन फैब्रिक है और 6 मीटर कॉटन फैब्रिक है लाइनिंग के लिए। और इन फैब्रिक्स में ये कंप्लीट ड्रेस बन जाएगी। अब जिस तरह से मैं इस पेपर को फोल्ड कर रही हूँ, आपको फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है इस तरह से। पहले 2 लेयर्स में कर लेंगे फैब्रिक को और फिर इस तरह से 4 लेयर में कर लेंगे फैब्रिक को। ये कंप्लीट 5 मीटर फैब्रिक के साथ करना है हमें फोल्डिंग। और फिर ये जो जॉइंट वाला पार्ट है हमें इस साइड रखना है। ये देखिए, मैंने शाइन वाला फैब्रिक फोल्ड कर लिया है 4 लेयर्स में और ये वो फोल्डेड साइड है और इस साइड वन साइड ओपन है और वन साइड फोल्डेड है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद इस कॉर्नर से 8 इंच पे मार्क करना है। इस लहंगे में वेस्ट लाइन पे प्लीट्स है और बैक में इलास्टिक, इसलिए 8 इंच लिया है। अगर फिक्स वेस्ट लाइन लेनी है तो आप 8 इंच से कम भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद 40 इंच पे मार्क करना है इस लाइन से। फिर इन पॉइंट्स को मैच कर देंगे। ये लेंथ 40 इंच है। अब इसी तरह से फैब्रिक पे भी मार्क कर लेंगे कॉर्नर से 8 इंच पे। और अगर फिक्स वेस्ट साइज चाहिए तो आप 6 पे भी मार्क कर सकते हैं और फिर उसे मेज़र करके चेक कर सकते हैं कि वो कितनी वेस्ट लाइन होगी, फिर उसके अकॉर्डिंग आप मार्क कर सकते हैं जो भी वेस्ट साइज चाहिए। फिर इस लाइन से 40 इंच पे मार्क करना है लेंथ वाइज। ये लेंथ वाइज 40 इंच पे भी मार्किंग हो चुकी है। अब मार्किंग पे कट कर लेना है। जिस तरह से ये पेपर को कट कर रही हूँ उसी तरह फैब्रिक को भी कट कर लेना है। और कट करने के बाद में हमें इस तरह से हाफ सर्किल मिलेगा। फिर इसे अनफोल्ड करेंगे तो हमें एक कंप्लीट सर्किल मिल जाएगा। और ये 360 डिग्री वाला लहंगा है, कंप्लीट राउंड सर्किल है। ये देखिए, फैब्रिक कट हो चुका है। शाइन फैब्रिक की लेयर इस तरह से कट हो चुकी है जिस तरह से ये पेपर कट हुआ है। जैसे इस पेपर की 4 लेयर्स है उसी तरह फैब्रिक की भी 4 लेयर्स है। ये देखिए, और सेम ये जो पेपर का सर्किल है इसी तरह से हमें नेट फैब्रिक का भी सर्किल कट कर लेना है। ये नेट फैब्रिक का भी सर्किल कट हो चुका है। अब जिस तरह से इन पेपर्स को रख रही हूँ इसी तरह से फैब्रिक को रख के और फिर यहाँ स्टिच कर देना है। ये लहंगे की साइड्स होंगी जहाँ पे स्टिचिंग कर देनी है और फिर ये जॉइंट हो जाएगा। नेट फैब्रिक की साइड्स को भी स्टिच कर देना है और शाइन फैब्रिक की साइड्स को भी स्टिच कर देना है। इन दोनों की साइड्स को स्टिच कर देंगे। आफ्टर स्टिचिंग नेट फैब्रिक की साइड्स स्टिच हो चुकी है दोनों साइड। इसी तरह से शाइन वाले फैब्रिक की भी दोनों साइड्स स्टिच हो चुकी है। और सिमिलरली मैंने कॉटन फैब्रिक भी कट कर लिया है फुल सर्कुलर में। जैसे ये पेपर कट किया था उसी तरह से कॉटन फैब्रिक भी कट कर लेना है। लेकिन कॉटन फैब्रिक की लेंथ 39 इंच रखनी है, शाइन वाले फैब्रिक से 1 इंच कम,
और नेट फैब्रिक की 1 इंच ज़्यादा रखेंगे शाइन वाले फैब्रिक से, 41 इंच। इन लेंथ के अकॉर्डिंग कट किया है इनको। और फिर कॉटन फैब्रिक की भी मैंने साइड स्टिच कर ली है, ये देखिए दोनों साइड स्टिच हो चुकी है कॉटन फैब्रिक की भी। अब इन पेपर्स की तरह हमारे पास भी 3 सर्कल्स रेडी हो चुके हैं, एक नेट का, एक शाइन का और एक कॉटन का। हमें कॉटन वाला सर्कल ले लेना है पहले, फिर उस पर शाइन वाला सर्कल रख देंगे और फिर उस पर नेट वाला सर्कल रख देंगे। फिर इन तीनों को इसी तरह से रख के और वेस्ट लाइन पे स्टिचिंग कर देंगे, यहाँ पे स्टिच कर देना है तीनों को। और ये स्टिचिंग हो चुकी है। वेस्ट लाइन पे स्टिचिंग होने के बाद में जो साइड वाली स्टिचिंग है वहां से हमें मेजर करनी है वेस्ट लाइन, और फिर जो दूसरी साइड वाली स्टिचिंग है वहाँ तक मेज़र करेंगे जो कि 26 इंच आई है, और वेस्ट साइज़ का हाफ करेंगे 34 इंच का हाफ 17, और 17 में 26 ऐड करेंगे तो 43 इंच। में 1 ऐड करेंगे स्टिचिंग के लिए तो 44 इंच। अब वेलवेट फैब्रिक की एक स्ट्रिप कट करनी है जिसकी विड्थ 4.5 इंच है और लेंथ है 44 इंच। 43 रेडी और 1 इंच सीम अलाउंस के लिए। अब इस स्ट्रिप पे 17.5 इंच पे मार्क करना है, 17 इंच वेस्ट साइज और 0.5 इंच सीम अलाउंस के लिए। इस तरह से 17 इंच पे लाइन मार्क कर लेंगे और फिर यहाँ स्टिचिंग कर देंगे। ये स्टिचिंग हो चुकी है स्ट्रिप पे। अब इस स्टिचिंग वाले पॉइंट को लहंगे की जो साइड वाली स्टिचिंग है वहाँ अटैच कर देंगे, और दूसरी साइड जो है लहंगे वाली स्टिचिंग उसे हम 17 इंच पे जो पॉइंट मार्क किया था वहां अटैच कर देंगे। और फिर ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है लहंगे का इसमें स्मॉल स्मॉल प्लीट्स डालते हुए स्टिच कर देंगे वेलवेट फैब्रिक पे, और बैक साइड में प्लीट नहीं आएगी, सिंगल ही फैब्रिक स्टिच हो जाएगा वेलवेट वाला, और फ्रंट में प्लीट्स आ जाएंगी। वेलवेट फैब्रिक की स्ट्रिप स्टिच हो चुकी है और जो लहंगे की साइड्स वाली स्टिचिंग है उन दोनों के बीच में 17 इंच का गैप है, और उन दोनों के बीच में ही प्लीट्स आ जाएंगी ये सारी। और बैक साइड में ये देखिए प्लेन फैब्रिक अटैच हुआ है बिना किसी प्लीट के। फिर इस स्ट्रिप को ऊपर की तरफ डबल फोल्ड करके और उस पर स्टिचिंग कर देंगे। ये स्ट्रिप पे स्टिचिंग हो चुकी है और एक छोटा सा होल रख लेना है इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए। 1 इंच विड्थ का इलास्टिक लेंगे जो लेंथ वाइज 15.5 इंच है, हाफ ऑफ वेस्ट साइज 17 इंच है तो उसमें से 1.5 इंच माइनस कर देंगे तो 15.5 इंच लेंगे। फिर सेफ्टी पिन की हेल्प से इलास्टिक को हम इंसर्ट कर देंगे। फ्रंट साइड से इंसर्ट करना है इलास्टिक को। इलास्टिक को इंसर्ट करते जाएंगे और जब इलास्टिक का दूसरा वाला एंड जो साइड वाली स्टिचिंग तक पहुंच जाए तो यहाँ पे इलास्टिक के एंड को स्टिच कर देंगे।
ये इलास्टिक का एंड स्टिच हो चुका है इस साइड। अब सेफ्टी पिन को इस तरफ ले आएंगे जिस साइड होल है, और इस होल में से इलास्टिक को निकाल लेंगे एंड देन सेफ्टी पिन को ले लेंगे। और फिर इसी एंड पे ये जो इलास्टिक का दूसरा एंड है इसे स्टिच कर देंगे और फिर इस होल को भी स्टिच कर देंगे। ये दूसरा एंड भी स्टिच हो चुका है इलास्टिक का, और ये लहंगे के वेस्ट लाइन पे बैक साइड में इलास्टिक स्टिच हो चुका है, और फ्रंट में ये देखिए प्लेन बेल्ट है। लहंगे की वेस्ट लाइन तो रेडी हो चुकी है, अब बॉटम पार्ट की बारी। कॉटन फैब्रिक की जो लेयर है उसकी बॉटम को फोल्ड करके स्टिच कर देना है, इस तरह से छोटा छोटा फोल्ड करके और फिर स्टिच कर देंगे। फिर शाइन फैब्रिक की बॉटम के लिए स्ट्रिप कट करनी है कॉटन फैब्रिक की, जिसके एक साइड में आयरन पेपर अटैच किया हुआ है, और इस स्ट्रिप की विड्थ है 5 इंच। 4 इंच रेडी होगी ये बॉर्डर। इस तरह से स्ट्रिप रेडी कर लेंगे और फिर इस स्ट्रिप को जो शाइन वाली फैब्रिक की जो बॉटम है वहाँ स्टिच कर देना है, इस तरह से रख के, और फिर यहाँ स्टिचिंग कर देंगे। आफ्टर स्टिचिंग ये जो कॉटन फैब्रिक की बॉटम थी ये फोल्ड होके स्टिच हो चुकी है, और जो शाइन फैब्रिक पे हमने स्ट्रिप कट की थी वो भी स्टिच कर ली है। अब इस स्ट्रिप को अंदर की तरफ फोल्ड करके और फिर स्टिच कर देंगे। पहले इस स्ट्रिप की जो किनारी है उसे फोल्ड कर लेना है और फिर उस पर स्टिचिंग कर लेनी है, फिर इसे इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करके और फिर लहंगे पे स्टिच कर देंगे। और नेट फैब्रिक की जो लेयर है उसकी बॉटम पे पिको स्टिच कर देंगे। ये स्ट्रिप की किनारी देखिए मैंने फोल्ड करके स्टिच कर ली है। अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके इस तरह से लहंगे पे स्टिच कर देंगे। इस तरीके से बॉर्डर को स्टिच कर देना है लहंगे पे, और जहां जहां जरूरत लगे वहां वहां स्मॉल स्मॉल प्लीट्स भी डाल लेनी है। इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे और स्टिचिंग करते जाएंगे। और ये बॉर्डर स्टिच हो रही है देखिए। और ये जो स्ट्रिप है इसमें मैंने स्मॉल स्मॉल प्लीट्स भी डाली है, जहां भी मुझे जरूरत लगी वहां मैंने स्मॉल इस तरह से प्लीट्स डाल दी है और फिर स्टिच कर दिया है। इस तरह से बॉर्डर को स्टिच कर लेंगे। ये शाइन फैब्रिक की बॉर्डर स्टिच हो चुकी है कंप्लीट, ये देखिए। और नेट फैब्रिक की बॉटम पे पिको भी स्टिच हो चुकी है, और ये लहंगा रेडी है। और इस लहंगे में बहुत सारा फ्लेयर है, 360 डिग्री लहंगा है ये। इस लहंगे की ड्रेस का कंप्लीट लुक आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। जल्दी मिलते हैं कंप्लीट लुक के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।